Chanting Krishna's names cleanses the mirror of our heart. Marjan मतलब साफ करना, दर्पण मतलब आईना, और चेतना मतलब हमारे हृदय के आईने को, हमारे चेतना के आईने को हरिनाम साफ करता है. Because we have taken so many births during which we filled our consciousness with dust, dirt, material desire, unlimited other material impressions, the mirror of our heart has become buried. Our consciousness has become covered for millions of years. तो क्योंकि हमने बहुत सारा जन्म लिया है और बहुत सारे आसक्तियाँ हुए हैं और बहुत सारे इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसके वजह से हमारा क्या हो गया, हमारा जो चेतना है ढक गया है पूरे तरह से ढक गया. जैसे एक आईना रहता है, आईने में, आईने का क्या रोल है, आईना जब देखेंगे क्या दिखना चाहिए, आप कौन है वो बराबर दिखना चाहिए और सराउंडिंग बराबर दिखना चाहिए. पर आईना गंदा है, साफ नहीं है, तो क्या होगा, हम अपने आप को बराबर देख नहीं पाएंगे. तो क्योंकि हमारा चेतना इतना दूषित हो गया है, हम अपने आप को भी देख नहीं सकते. हमको क्या लगता है, हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, ये हमको लगता है. पर धीरे धीरे जब हमारा आईना साफ होगा तो क्या है, जो सत्य है वो दिखने लगता है. तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या, हम कौन है जानना और भगवान कौन है जानना, और दोनों साथ में होगा जब हम धीरे धीरे आईने को साफ करेंगे. राइट, और एक छोटा पतला लेयर है आईने का तो कपड़े से निकल जाएगा एक बार करके, पर हमारा जो चेतना है इतना गंदगी है हम बोल ही नहीं सकते. इतना लेयर पे लेयर पे लेयर पे गंदगी है. जैसे बहुत बार यू नो सिटीज़ में कभी नाला होता है, तो नाले को साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार उसके अंदर गए साफ करने के लिए इतना कचरा निकलता है आदमी परेशान हो जाता है. राइट, तो हमारा हृदय ऐसा हो गया है, चेतना इतना दूषित हो गया है. पर एक ही वेपन है जो इसको साफ कर सकता है, वो क्या, भगवान का हरिनाम.